देखो देखो नरेंद्र की चेहरे से नंबर एक का कवि क्रिकेट मैच हो, शादी हो, पार्टी हो या फोटो शूट ही क्यों न हो, हर जगह बस ग्लैमर दिखाना है। स्टेडियम में लगे स्क्रीन पे दिखाई न दे रहा हो तो कोई बात नहीं, दूरबीन से लड़की तारना शुरू कर दो। लड़कियों पे कैमरा का फोकस ऐसे लगा रहता है जैसे आइसक्रीम के पीछे बच्चे। आजकल लोग आँख खोलने से पहले मोबाइल का कैमरा खोलना पसंद करते हैं। लोग थकान मिटाने के लिए नहीं सोते, मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए सोते हैं। आज बात करने वाले ऐसे ही कैमरामैन के बारे में जो भूखर होते हैं, चालू होते हैं और कुछ तो। मैं सही बता रहा हूँ, बस ये वाला डेडिकेशन जिंदगी में चाहिए। अगर ऐसा डेडिकेशन अपने काम में लागू कर दूं तो मैं सही बता रहा हूँ, माझी से भी बड़ा पहाड़ तोड़ के रास्ता नहीं, हाईवे नहीं, एक्सप्रेस वे बना डालूंगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लो ये 500 भी गया। इसीलिए कहते हैं कि शादी के समय दरवाजे पर गार्ड और कैमरा वाले के सामने छोटा उस्ताद का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो शादी रिकॉर्ड कर रहा हो उसके हरकतें रिकॉर्ड करने के लिए भी चाहिए। शादी के समय कौन सा चीज कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं होता, पर ये कैमरा वाले को सब कुछ पता हो ही जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गुलाब जामुन भी गया। बोला था बच्चों के पीछे बड़े और कैमरा मन के पीछे सस्ता वाला स्पाइडरमैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कब इधर का उधर कर दे, वीडियो रिकॉर्ड करने आया है या खाने, इसी वजह के कारण मिठाई कम पड़ जाता है। फिर क्या, ये कैमरा वाले खाने वाले लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं जिससे लोग कम खाना शुरू कर दे। अब समझ में आया ये लोग नजदीक जाके वीडियो क्यों रिकॉर्ड करते हैं। असली गोलमाल तो इधर हो रहा है, नजर के सामने से 200 का नोट जाने ही वाला था। हिम्मत देख रहे लौंडे की, सबके सामने 200 का नोट यूं ही उठा रहा था, पर हमारे भैया जी ने भी डायरेक्ट बोल दिया, हिसाब में 200 रुपया काट लूंगा। ये कैमरा वाले बड़े चालू लोग रहते हैं, रिकॉर्ड सब कुछ करते हैं और एडिटिंग करते समय सेंसर बोर्ड बन के सारा चीज कट भी कर देते हैं। ये हुई ना बात, पकड़ा गया कैमरामैन। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट के पीछे टीचर और कैमरामैन के पीछे डिटेक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई इसके बाद का वीडियो मुझे डीएम करो, मैं भी तो देखूं क्या खातिरदारी हुई है इनकी। इतना भी डेयरिंग काम नहीं करना था। इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। पर रिकॉर्ड करने के बाद क्या हुआ होगा ये तो उसे ही पता चला होगा, पर कोई नहीं, उसे कोई बताओ कि ऐसी गलती करते रहे तो पेमेंट के बारे में भूल जाना। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर नया सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।